दोस्तों, हम इंसानों ने इतना आगे जा सूके हैं कि सांड पर घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम इंसानों ने पृथ्वी पर करीब सारे इलाकों को खोज लिया है? तो आप गलत है, क्योंकि पृथ्वी की धरती पर कोई सारी ऐसी जगह है जहां पर हम इंसानों ने आज तक कदम भी नहीं रखा होगा। आज मैं इस वीडियो में ऐसे रहस्य चीज आपके सामने खोलूंगा जिसके बारे में आप अनजान हो। दोस्तों, धरती पर जमीन वाला भाग में लगभग 25% सीज हैं, जो हमने देखा होगा, और महासागरों में जो 75% सीज है, इसके बारे में हमें कोई नलेज नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महासागरों की कितनी गहराई में क्या देखने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं और हम पहुंचाओगे समुद्र तल की 40 मीटर की गहराई में। 40 मीटर की, जैसे ही कोई इंसान समुद्र में डुबकी लगाता है तो वह बिना किसी खास इक्विपमेंट के ही 40 मीटर अंदर तक जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर स्विमर्स यहां तक ही स्विमिंग करते हैं। लेकिन उसके नीचे बढ़ने पर समुद्र के पानी की प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ने लगता है और इंसान की धड़कन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती। हालांकि दुनिया कुछ जाने माने स्कूबा डाइवर ऐसे भी हैं जो 200 से 250 मीटर की गहराई तक चले गए थे, जिनमें से कुछ स्विमर्स की तो जान भी चली गई थी। दोस्तों, यहां से अगर हम थोड़ा और गहराई में डूब लगे, करीब 450 मीटर ने से दोस्तों, इस गहराई में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पूरी तरह से डूब सकता है। यहां पर हमें समुद्री की विविध जीव दिखाई देंगे। हम इससे थोड़ा और निसे करीब 500 मीटर निसे जाओगे तो आपको ब्लो होल मछली देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको एक बात बता दो कि इतनी गहराई में ब्लू व्हेल के गोता लगाने की अधिकतम गहराई होती है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्लो होल मछली की मैक्सिमम ड्राइव लिमिट 500 से 540 मीटर है। अगर ब्लो होल मछली इससे गहराई में जाएंगे तो हो सकता है समुद्र के पानी के प्रसर की वजह से उसके फेफड़े फट जाएंगे और बाद में ब्लो होल की जान भी जा सकती है। दोस्तों, जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं, वैसे समुद्र के पानी का दबाव हमारे शरीर के ऊपर बढ़ने लगता है और गहराई में करीब हम पहुंच जाएंगे 600 से 650 मीटर की गहराई में, जहां तक समुद्री पेंगुइन गोता लगाते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाने वाली पेंगुइन 650 मीटर से ज्यादा नीचे गोता नहीं लगाता है। यहां से थोड़ा और नीचे, कितना नीचे, करीब 750 से 800 मीटर नीचे, लेकिन यहां तक परमिशन के बिना जाना बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया के विकसित और पावरफुल देशों ने अपनी आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन जगह जगह पर तैनात की हुई है। ठीक है दोस्तों, हम इससे भी निचे जाएंगे और मानो जाने के लिए भी परमिशन ले लिया। यहां से निचे करीब 830 मीटर निचे की गहराई में अब हम पहुंच गया है। यहां पर दुनिया के सबसे ऊंची इमरत ब्रिज खलीफा अपने हाइट के साथ पूरा डूब जाएगा। यहां से और निचे जाएंगे तो करीब 1000 मीटर गहराई में हमें मिलेगा यह महासागरों का स्केरी जोन। सूरज की किरणें 1000 मीटर की गहराई तक पहुंचती हैं, उससे निचे सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं, इसलिए इस विस्तार को महासागरों का स्केरी जोन कहलाता है। तो चलिए हम इससे थोड़ा और निचे चलते हैं, लेकिन यहां से निचे जाने के लिए हमें एक हाई पावर टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां निचे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। दोस्तों, यहां से थोड़ा और नीचे करीब 1200 मीटर गहराई तक पहुंचने के बाद आपको एक अलग सा दुनिया दिखाई देगी। दोस्तों, इतनी गहराई में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन लोगों की दुनिया अलग है। इतनी गहराई तक समुद्री कछुओं का मैक्सिमम डाइवो लिमिट है। कछुआ इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाता है और थोड़ा गहराई में चलते हैं करीब 2000 मीटर नीचे। यहां पर हमें कुछ अद्भुत और खतरनाक जीव दिखाई देती है। दोस्तों, यहां पर एक ऐसे मछली पाए जाते हैं जिससे कुदरत ने ही उसके आगे टॉर्च दे रखी है, और इस मछली का नाम है अंग्लेर फिश। दरअसल उस मछली के मुंह के सामने जो बल्ब जैसे लटके हुई है, इसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, और ये बायोल्यूमिनेसेंस समुद्र की इतनी गहराई की अंधेरे में इस मछली को खाना खाने में मदद करते हैं। दोस्तों, ना जाने कुदरत ने और ऐसे कितना खतरनाक जीव इस धरती पर रखा है जो हम नहीं जानते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और गहराई में करीब 2500 मीटर नीचे। इतनी गहराई में जाने के बाद जो जीव दिखाई देगी वह है डंबल्स ऑक्टोपस। दोस्तों, डंबल ऑक्टोपस
समुद्र की सबसे ढाई लगाने वाला एनेक्टोपस, इससे और गहराई में करीब 4000 मीटर निकले। दोस्तों, समुद्र की इस गहराई को अविसल जान कहते हैं। यहां पर वाटर प्रेशर आपके ऊपर 1000 टन वजन की बराबर होगा और ज्यादा नीचे करीब 4200 मीटर का डीप लेवल दुनिया के लगभग महासागरों का एवरेज डीप लेवल है। लेकिन दुनिया के कई महासागर इससे भी ज्यादा गहरा है। समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई वाले विस्तार को हेडल्स जोन कहते हैं और यहां का वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट विमान रखने के बराबर होता है। यहां से अगर और नीचे जाएं तो करीब 8848 मीटर की गहराई में समुद्र तल से ऊपर जमीन के ऊपर माउंट एवरेस्ट की चोटी के बराबर है। यहां से और नीचे करीब 10216 मीटर की गहराई में दोस्तों ये विस्तार वह विस्तार है जब इंसान सबसे पहले इतनी गहराई तक पहुंचा था और इतनी गहराई तक सबसे पहले इंसान ने सन 1960 में यह रिकॉर्ड बनाया था। यह लोग उस वक्त की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की सबमरीन के साथ समुद्र की इतनी गहराई में गए थे। जब दो वैज्ञानिकों ने इतना गहराई में जाने के लिए पावरफुल सबमरीन लिया था, 30 मीटर गहराई में जाने के लिए 5 घंटे से भी ज्यादा समय लगा था। वहां पर वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि कुछ ही मिनट के बाद सबमरीन की ग्लास भी टूटने लगे, जिसकी वजह से वहां से वापस लौट कर आया। दोस्तों, हम थौरा और निसे जाने के लिए कोशिश करेंगे। 10,994 मीटर की गहराई में आज तक की हम इंसानों द्वारा नापी गई ये समुद्र की हाईएस्ट डिप्रेस्ड गहराई है। दोस्तों, हम करीब 11,000 मीटर की गहराई में पहुंचने के बाद हम समुद्र के भीतर उस गहराई तक पहुंच जाते हैं जितनी ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज उड़ान भरता है। एयरलाइंस 10,000 से 11,000 हाईएस्ट लेवल ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक महासागर में नापा गया है। दोस्तों, इस जगह को मरियाना ट्रेंच कहते हैं। पैसिफिक महासागर के अंदर ये जो पॉइंट खोजा गया है, ये आज तक का पृथ्वी पर खोजा गया सबसे डीपेस्ट लेवल है। कुछ वैज्ञानिकों की कहना है समुद्र इससे भी ज्यादा गहरा है, लेकिन हम इंसान उन जगहों को आज तक खोज नहीं पाए। हम इंसान ने समुद्री विस्तार को सिर्फ 5% ही खोजा हुआ है और बाकी 95% के बारे में हमें कोई पता नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र के 95% में हमें कुछ ऐसे ऐसे जीवों का दर्शन होगा जिसे देखकर आप हैरान हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे जीवों को देखकर अपो को ऐसा लगेगा कि हम किसी एलियंस को ही देख रहा हूं। दोस्तों, इस चीज पर वैज्ञानिकों ने अभी तक रिसर्च कर रहा है कि समुद्र की गहराई में क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में आप जरूर बताएं। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो यहां तक देख ही लिया है तो नॉलेज टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।